हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2023 का 1 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशंस का। बहुत ही शानदार सवाल है। एफ आर टू आर है, जिसमें आर माइनस 0 टू 1 है, ठीक है ना। 0 और 1 नहीं होगा फंक्शन का डोमेन में। और एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ टू निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। हीट एंड ट्रायल में क्या करता है, एक्स का कुछ वैल्यूज पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ टू चाहिए। एफ ऑफ टू चाहिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब एफ ऑफ टू चाहिए आपको यहाँ पर में, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो अगर एक्स इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 2 प्लस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 3। इसको मान लो दूसरा नंबर इक्वेशन दे दो। अब आपको क्या है ना, एफ ऑफ 2 तो चाहिए ही चाहिए, एफ ऑफ माइनस 1 भी निकालना पड़ेगा, उसके बिना ही नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब इसमें फिर से क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो। तो जब एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू, ये मिल गया आपके पास में 0। इसको दे दो तीसरा नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं आपको कहीं ना कहीं माइनस 1 भी सेट हो गया और 2 तो चाहिए ही चाहिए, एक और टर्म बच गया एफ ऑफ 1/2। तो 1/2 के लिए फिर से एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट कर देंगे तीसरा इक्वेशन में, एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 1/2 में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस और 1 माइनस 1/2, ये वापस क्या बन गया, 2 बन गया यहाँ पर मैं। तो ये बन गया एफ ऑफ 1/2, 1 प्लस 2/2 यानी 3/2, इसको चौथा नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं आपको करना क्या है, 3 इक्वेशन है और आपको एफ ऑफ 2 चाहिए। तो अल्टीमेटली आप क्या करो यहां पर मैं, आप ऐसा करो, 2 इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3 कर दो, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 4, ये वाला फोर्थ नंबर इक्वेशन है, ये फोर्थ नंबर इक्वेशन है। तो 2 प्लस 4 माइनस 3, तो 2 प्लस 4 माइनस 3 करोगे तो यहां पर में क्या हो जाएगा, आपके पास में हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 2, और 2 प्लस क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां पर मैं ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 यानी 3 प्लस 3/2 माइनस 0। तो यहां से एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 9/2 यानी 9/4। इस तरह से ये जो सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 9/4, और 3 स्टेप में सवाल को सॉल्व कर सकते